तो ये दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह हमास जो है वो अपनी तैयारियों की तस्वीरें साझा कर रहा है। और ये जरा तस्वीर देखिए, हमास ने कैसे मेरा इज़राइल को आयरन ड्रोन, दुश्मन का रॉकेट हमला, आयरन डोम, रक्षा कवच, रॉकेट, दुश्मन के रॉकेट तबाह। हमास ने कैसे भेदा इसराइल का ये आयरन डोम हम आपको दिखा रहे हैं, और ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं किस तरह से एक प्लानिंग के साथ दरअसल हमास पहुंचा, और उसके बाद अब इसराइल जो है वो मुंहतोड़ जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। जंग का आज चौथा दिन है, अभी तक क्या डेवलपमेंट्स, क्या अपडेट्स हैं युद्ध से जुड़ी हुई आपको दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले एक के बाद एक दो बड़े धमाके हुए थे, यहाँ जो ट्रक खड़ा है इसको नुकसान पहुंचा है, दो लोग यहाँ पर घायल भी बताए जा रहे हैं। जहाँ तक कल रात तक शांति थी, 24 घंटे भी नहीं, और अचानक फिर हवा में लगातार फाइटर जेट स्क्रैम्बल कर रहे हैं। एयर रेड सायरन के बजने से लेकर रॉकेटों के आने तक महज 30 सेकंड का समय होता है। आसमान में बस ये लग रहा था कि तारे टूट रहे हैं, बिजली चमक रही है। भीषण बमबारी में आज तक की टीम भी फंस गई थी, अब एकाएक एयर रेड सायरन बजा। हर 25 से 30 सेकंड पर रॉकेट्स की आवाज आती है, जो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है जमींदोज हो गई। आज तक के दो संवाददाता उस युद्ध में रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो कभी भी महायुद्ध में तब्दील हो सकता है। ये किस तरह से धुएं अचानक से हमास मार रहा, और उस तरफ से अचानक से बड़े बड़े गोले आ रहे हैं, और ये पूरा इलाका देखिए वहां से रॉकेट छोड़ा गया है, और भारी अचानक से एयर सायरन मिला, और उसके महज 3 सेकंड के भीतर भारी भरकम जो है रॉकेट छोड़े गए। इसराइल का ये गुस्सा बता रहा है कि वो हमास को जड़ से उखाड़ देगा। सवाल ये है, क्या इसराइल में घुसकर हमला करना हमास के खात्मे की वजह बनेगा? एक रॉकेट का शेल है जो इस समय मेरे हाथ है, हम जहां पर थे दरअसल मेडिटेरेनियन सी के पास भी एक हिस्सा जब पूरा रॉकेट गिर करके आया, वहां कई जगह हमने देखे हैं घरों को नुकसान हुआ, अस्पताल पर शनिवार को हमला हुआ था, ये उसी का एक हिस्सा है जो मेरे हाथ लगा था। और इसके कवच से पता चलता है कि ये साधारण तौर पर कोई देसी बम या जुगाड़ नहीं है, ये उन्हें कहीं से डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किए जाने वाला रॉकेट का ही एक टुकड़ा है। आसपास के इस इलाके की देखे तो बैंक पूरी तरह से ध्वस्त है, यहाँ पर कुछ दुकानें ध्वस्त है, कुछ घर वहां पर तबाह हुए हैं, गाड़ियां तबाह हुई हैं। सवाल यह कि क्या इसराइल हमास को तबाह करने के लिए ईरान पर भी हमला करेगा, जो इसराइल के दुश्मनों को लगातार ताकत दे रहा है। हमास के साथ अगर ईरान है तो इसराइल के साथ अमेरिका, जिसने इसराइल को पूरी तरह से मदद देने के लिए अपना जंगी बेड़ा भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। क्या इसराइल पर हमास का हमला दुनिया को नए महायुद्ध में धकेल देगा? इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों को बंधक बना के हमास के आतंकवादियों ने रखा है कि एक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव करने से पहले लोगों को सुरक्षित निकालना, खासतौर पर इसराइल के लोगों को, अमेरिका के जो नागरिक फंसे हैं उनको निकालना बड़ी चुनौती है। इसराइल और गाजा पट्टी से आने वाली हर तस्वीर को दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है, सबको बस एक ही डर है कि कहीं ये जंग दुनिया को एक और नए युद्ध में न धकेल दे। सवाल है कि क्या दुनिया रूस यूक्रेन से भी बड़े विध्वंसक युद्ध से बस एक कदम दूर खड़ी है? हमास के पीछे की जो शक्तियां हैं उनकी तैयारियां जबरदस्त है, और आने वाले समय में ये जो खतरा है यहाँ इसराइल में और खासतौर पर दक्षिणी इसराइल के इस क्षेत्र में, ये और गहराएगा। और अंदेशा तो ये है कि इसराइल और जो अब लेबनान की सीमा है, या इसराइल और हम जो सीरिया की सीमा है उत्तर में, वहां पर तनाव और ज्यादा आने वाले समय में भड़क सकता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इसराइल का सपोर्ट किया है, और अमेरिकी सेना को इसराइल बॉर्डर पर भेजने का ऑर्डर दे दिया है। किसी भी वक्त अमेरिका का जंगी बेड़ा इसराइल पहुंच जाएगा। अमेरिका का जंगी बेड़ा जैसे ही पहुंचेगा गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर, एक साथ दर्जनों लड़ाकू विमानों से हवाई हमले किए जा सकते हैं। यह है अमेरिका का सबसे खतरनाक युद्धपोत, वही युद्धपोत जो इसराइल की मदद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भेजा है। इस युद्धपोत का नाम है यूएसएस गेरल्ड आर फोर्ड। यह अमेरिका का सबसे एडवांस युद्धपोत है जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल से लैस फाइटर प्लेन मौजूद रहते हैं।
इसके साथ ही 5,000 अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी रहती है। इस वॉरशिप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि हर 6 मिनट पर अपने दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले कर सकता है। मतलब युद्धपोत भेजने के पीछे अमेरिका का संदेश साफ है, अगर किसी ने इसराइल की तरफ आंख उठाकर देखा तो खौफनाक परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला इसराइल का सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मदद के लिए युद्धपोत भेजा। अमेरिका को ऐसा क्यों करना पड़ा इसे भी समझिए। हमास आतंकियों ने इसराइल पर हमला किया, हमले के बाद ईरान में जश्न मनाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामनेई के एक सलाहकार ने हमले का समर्थन किया। वहीं लेबनान, कतर, इराक और तुर्की समेत कई मुल्क इसराइल के खिलाफ खड़े हैं, जबकि सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में मुमकिन है कि इसराइल पर हमले की हिमाकत कुछ मुल्क दिखा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमला करने वाले मुल्क के खिलाफ इसराइल के सपोर्ट में अमेरिकी सेना जवाबी कार्रवाई करेगी। अगर बात इसराइल के सपोर्ट में आए मुल्कों की करें तो फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और भारत ने हमले की निंदा की है। इस हमले को लेकर एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं सुनिए। तो भारत हमेशा आतंक के विरोधी रहा, भारत ने कभी भी आतंक का साथ नहीं दिया। ये एक बार नहीं, अनेकों बार भारत ने इस बात की अपना हर जो प्लेटफॉर्म पर भारत ने इस बात को रखा है कि हम आतंक के खिलाफ हैं। तो यहाँ पर इसीलिए भारत ने कड़ा विरोध किया और भारत ने अब बयान दिया कि इस कठिन घड़ी में हम इसराइल के साथ हैं, और जिसका कि इसराइल ने भी शुक्र धन्यवाद किया है कि ये वाकई में अच्छी बात है कि आप हमारे साथ हैं। अमेरिका का भी ये स्टैंड है। ईरान का तो जानी दुश्मन है इसराइल, बट मिडिल ईस्ट में सऊदी हो गया, एमिरेट्स हो गए, ओमान, बहरीन, इजिप्ट, इन देशों की एक और दिक्कत है, इन देशों की मतलब आवाम तो मुस्लिम है ना, तो ये जो मोनार्कीज हैं इनको ये डर है कि अगर हमने अपने पैलेस्टीनियन भाइयों को सपोर्ट नहीं करा तो हमारी आवाम ये कही कि भैया आप तो एंटी मुस्लिम हो। इसराइल अब काफी तगड़ा पलटवार उसने शुरू कर ही दिया है, उसके अटैक हेलीकॉप्टर्स, उसकी एयरफोर्स वो लग गए हैं और अब ग्राउंड ऑपरेशंस भी बड़े भारी होंगे। कैजुअल्टीज अभी तक पूरे आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन दोनों तरफ काफ़ी भीषण कैजुअल्टीज खासकर हमास की साइड होने का अंदेशा है। आज तक ब्यूरो